हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में अनिल और मैं हूं संजू। आज हम करेंगे बैकफ्लिप स्टेप बाय स्टेप। तो आज का ट्यूटोरियल रहेगा हमारा बैकफ्लिप का। बैकफ्लिप कैसे करते हैं तो बैकफ्लिप देख लेंगे एक बार, बैकफ्लिप करना कैसे है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना है हाई जंप। बैकफ्लिप के लिए हाई जंप आना जरूरी है। जितना ज्यादा आपका हाई जंप जितना ज्यादा अच्छा होगा, आप उतना ज्यादा अच्छे से बैकफ्लिप कर सकते हैं। तो एक बार देख लेंगे हाई जंप करते कैसे है। रेडी, चलिएगा। बहुत अच्छे फ्रेंड्स, जब आप हाई जंप कर रहे हैं तब आपको आना चाहिए टक टक करते कैसे है। नीज को आपको चेस्ट के पास में लेकर आना है। जितना क्लोज कर सकते हैं उतना ज्यादा क्लोज कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छे से आप रोटेट कर पाएंगे। तो एक बार देख लेंगे टक को करते कैसे। एक बार टक दिखा देंगे करते कैसे है। आपको नीज को चेस्ट के पास में लेकर आना है। जितना ऊंचाई पर आप लेकर आ सकते हो उतना ऊंचाई पर लेकर आएंगे ताकि आप ज्यादा अच्छे से कर पाए। जितना ऊंचाई पर आप लेकर आएंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप अपने आप को रोटेट कर पाएंगे। अब हमने किया टक, अब हमने किया हाई जंप, उसके बाद में हमें करना है बैकफ्लिप। बैकफ्लिप करते कैसे है उसके बाद में हम देख लेंगे बैकफ्लिप करना कैसे है सपोर्ट के साथ में। मैं अभी कर रहा हूँ हाइट का यूज ताकि आप ज्यादा अच्छे से कर पाए। अगर जो आप हाइट का यूज कर रहे हैं तो आपको टाइम और स्पेस दोनों ज्यादा मिल जाएगा, आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। चलिएगा, देख लेंगे सपोर्ट के साथ में करना कैसे है। जिसको करना है उसको यहां से पकड़ लेंगे और फिर हेल्प के साथ में करेंगे। अनिल रेडी? ये फ्रेंड्स, हमें करना है सब मस्ती के साथ में, ज्यादा एंजॉय करते हुए जितना ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। चलेगा, फिर से करेंगे एक बार। बैकफ्लिप करना कैसे है अगेन, नीचे अगेन। अभी हमने किया हेल्प के साथ में। जब आपको लगे कि हेल्प के साथ में आप काफी स्पीड से अपने आप को रोटेट कर पा रहे हैं तो आपको तब ट्राई करना है ओपन हेल्प के साथ में, आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार उसको भी देख लेंगे कैसे करना है ओपन हेल्प के साथ में। चलिएगा, आ जाएंगे फ्रेंड्स। आपको खड़े हो जाना है, जैसे मैंने बताया हाइट का यूज करना है आपको। चलिएगा, जब आप देख रहे हैं आप अपने बॉडी को यहां से ले जा पा रहे हैं तब आपको हेल्प करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बॉडी को ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पर होल्ड करना है। जब आपने अपर पार्ट को होल्ड किया है उसके बाद में आपको लोअर पार्ट को खींचना है तब आप ज्यादा अच्छे से रोटेट कर पाते हैं और ज्यादा हाइट को गेन कर पाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे आप ज्यादा हाइट किस तरह से गेन कर सकते हैं बैकफ्लिप में। चलिए, जब आपको लगने लगे कि आप काफी हाइट पे कर रहे हो और काफी स्पीड के साथ में कर रहे हो, अब आपको हेल्प की जरूरत नहीं है तो तब आप सर्व करेंगे। एक बार देख लेंगे। चलिए, अनिल करेंगे आप सर्व। तो ये था फ्रेंड्स हमारा बैकफ्लिप का ट्यूटोरियल जो कि आज हमने किया। बैकफ्लिप करते कैसे है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको करना कैसे है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है सरफेस का। सरफेस आपकी ऐसे होनी चाहिए जो थोड़ी सॉफ्ट हो जिससे कि आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और बाकी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करनी है मस्ती के साथ में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को कीजिए हमारी लाइक और शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज हमने किया बैकफ्लिप का ट्यूटोरियल कि बैकफ्लिप करते कैसे। तो इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ पर चाहिए, साइड फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, गैनर, वॉल स्पिन या जिस पे भी चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल मुझे किस चीज़ का बनाना चाहिए। उसी के लिए थैंक यू।